जप करना बहुत ही जरूरी। इसलिए तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी ने कहा ना कि प्रभुपाद जी वो है जिन्होंने पूरे विश्व को हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत सुंदर कुछ बात है। इस प्रकार से वो बता रहे थे कि मैं अक्सर जब आपने सुना होगा शायद लेक्चर है ना, आप लोगों ने सुना ना कि जी जब सर। कि जब हम लोग जब मैं मेक इन इंडिया अथवा अन्य कहीं पे जाता हूँ तो उदाहरण देता हूँ भाई किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की नींव रखी और हरे कृष्ण मूवमेंट को कैसे एक छोटे स्थान से आज एक पूरे वृहद विश्व रूप में फैला दिया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं मेरे ख्याल से 2-3 बार सुन चुका हूँ तब से, इतना सुंदर गुणगान किया उन्होंने। रूपा जी 40 रुपए लेकर 70 साल की उम्र में जब व्यक्ति समेटता है अपने आप को कि अब नहीं, अब मैं मेरी हो गई है ये नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए 70 साल की एज में। बहुत ही अद्भुत। उन्होंने कहा कि अगर जी मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर जीवन में सफल होना है प्रभुपाद से सीखो, इस्कॉन से सीखो कि कैसे सफल होना चाहिए, कैसे सफल होना चाहिए। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। कोटि कोटि आभार देता हूं, कोटि कोटि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस प्रकार से हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सुंदर गुणगान किया। बहुत दिव्य वचन, बहुत दिव्य। और अंतिम में जो उन्होंने कहा ना, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं लेकिन इस प्रकार से वो व्याख्या करेंगे हमने सोचा नहीं था। बहुत अद्भुत। मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों को प्रचार करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, लेकिन उन्होंने कितना सुंदर कहा कि इस्कॉन भारतीय संस्कृति और धरोहर का आप सभी भक्त ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन के सभी भक्त ब्रांड एम्बेसडर हैं? किसके? भारतीय संस्कृति का, भारतीय धरोहर का एक ब्रांड एम्बेसडर। ये पूरे विश्व में भारतीय समाज का प्रचार कर, अद्भुत व्यक्ति। और आज आप सब जानते ही हैं कि 125 रुपए की सिक्का है ना, कॉइन हमारे श्रील प्रभुपाद की 125वें जयंती के दिन हमारे आदरणीय परम पूज्य प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बहुत अद्भुत, इससे बहुत ही सुंदर सम्मान, बहुत ही सुंदर। तो हमें सीखना चाहिए जब हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं भाई नाम जप करो, नाम जप करो, प्रचार करो, क्या क्या ऑप्शन हो। जब देश का राजा कह रहा है प्रचार करने, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए बताइए? प्रधानमंत्री तो राजा ही हुए ना, वही तो सब आदेश दे रहे हैं ये करो वो करो। जब उनका आदेश है कि प्रचार करो हरे कृष्ण महामंत्र का, पूरे विश्व में प्रचार करो, जाओ वहां प्रचार करो, क्यों नहीं करना? ब्रांड एम्बेसडर बनिए और प्रचार करें, है ना। आज तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया आप प्रचार करिए हरे कृष्ण।